स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सीएम स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सीएम। देखिए क्या है हमारे पास क्यूबॉइड और हमें क्या वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्यूबॉइड होता कैसा स्टूडेंट, मैं दिखा देती हूँ। मैच बॉक्स दिमाग में ले आया करो आप कि हमारे माचिस की डिबिया कैसी होती है ना, उससे हमें इजी हो जाता है स्टूडेंट निकालना कि माचिस की डिबिया जैसे दिखती है वैसे हमारा क्यूबॉइड होता है, ठीक है। और 6 रेक्टेंगल से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बना दिया यहाँ पर, ठीक है। देखो बेस एरिया का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट आपका, ये जो मैं डार्क करके दिखा रही हूँ ना स्टूडेंट, ये बेस एरिया आपका क्या है, बेस एरिया। समझ में आ गया, ये बेस एरिया का मतलब क्या है, ये एल है, ये बी है, और ये तो आप जानते हो स्ट्रेट लाइन क्या है, हाइट है आपकी, ठीक है। आपने समझ लिया बेस एरिया का मतलब एल मल्टीप्लाई बी है ना रेक्टेंगल का, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास गया दिया हुआ कितना, टोटल 180, कितना दिया है 180। एल मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी दी है 180 सी एम स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, हमें क्या दिया है वॉल्यूम, क्या दिया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, मैंने कहा था वॉल्यूम का फॉर्मूला किससे, एरिया से मिलकर बना होता है, और एरिया जो क्यूबॉइड है वो किससे मिलकर बना है, रेक्टेंगल से मिलकर बना है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया का एल मल्टीप्लाई बी, अब क्यूबॉइड है ना तो एच और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है हमारा, उसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास कितना दे रखा है 900 सीएम क्यूब है ना, क्यूब देते सब समझ जाओ ये दिया हो। एल मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट हमें 180 सीएम, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है, हाइट की वैल्यू, हाइट निकालनी है हमें, मतलब ये हाइट की वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हो गया 900 इक्वल टू 180 एच, तो एच बराबर क्या होगा स्टूडेंट 900 अपॉन 180। देखो ये हमारे पास सी एम स्क्वायर है, सी एम स्क्वायर, और ये क्या है सी एम क्यूब, तो क्यूब है ना, तो इससे इसको काटेंगे तो क्या बचा सी एम, ठीक है। 10 से 10, 18 को 90 से कट कर दिया था 5 times है ना, 18 से 90 को कट कर दिया 5 times। तो हाइट हमारी क्या आई इक्वल टू 5 cm, इसकी हाइट आई क्यूबॉइड की, किसकी आई क्यूबॉइड की। हमने वॉल्यूम से निकाले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से करना और समझ के करना, ठीक है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लिख लिख कर पढ़े स्टूडेंट, सिर्फ देखकर ही ना निकले। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 60 सीएम, 54 सीएम, 30 सीएम है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सीएम कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड बना लेते हैं स्टूडेंट, मैं थोड़ा अलग तरह का क्यूबॉइड बनाऊंगी अब, इस तरह का कोई मेरा एक क्यूबॉइड है, कैसा है ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है स्टूडेंट, इस क्यूबॉइड में मुझे एक स्मॉल से क्यूब रखने हैं, इसे रखने स्मॉल से क्यूब, मैं सेम ऐसा ही बना लेती हूँ क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स मुझे इसमें डालना है, ठीक है। तो इस बड़े क्यूब में ये छोटे छोटे क्यूब्स कितने आ सकते हैं, ये क्यूबॉइड है, क्या है क्यूबॉइड, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे क्यूब कैसे आ सकते हैं, तो ये क्यूबॉइड है हमारा और ये क्यूब। तो जब कोई चीज़ किसी के अंदर रखनी हो, भरनी हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आपको पता है ना स्टूडेंट, वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं वॉल्यूम। आप निकालेंगे सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन में, पहले लिख लेते हैं एल इक्वल टू आपका 60, बी इक्वल टू आपका कितना दिया है 54,
और एच इक्वल टू आपको क्या दिया 30 सी एम। सब सी एम यूनिट सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड स्टूडेंट पता है ना, क्यूब रेक्टेंगल से मिलकर बना है और रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बी है, उसी में एच आप मल्टीप्लाई करा दो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा आपका, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30। स्टूडेंट इस वैल्यू को हम कट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, कट करने के लिए इसको रखेंगे अपन क्यूब से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्यूब, क्यूब में आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्यूब का भी मैं क्या निकालूँ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। तो सिंगल क्यूब का निकाल लूँ उससे पता लग जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने। तो क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको क्या होगा, कि आपने स्क्वायर का फॉर्मूला याद करना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कहता है, ए का स्क्वायर, ये कहता है ना। अब इसमें क्या था, एल और बी सेम था, इसमें एल भी ए था, बी भी ए था, एच और इंक्लूड करना है तो वो भी क्या होगा ए, तो तीन बार ए जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, तो आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पर ए क्यूब। आपकी साइड क्या दिया हुआ है आपको, साइड आपको गिवन है कितना है 6 सी एम क्यूब की, तो ये साइड है, साइड ही तो ए है ना आपका, साइड इक्वल टू ए, ए बराबर आपका 6 सी एम, ठीक है। तो 6 का क्यूब, 6 का आपको क्या करना है क्यूब, ठीक है, 6 का आपको क्या करना है क्यूब, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो फिर 6 6। अब इसको भी कट, इसको भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही करके रख लें 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ऐसा क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसको इससे डिवाइड करना तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब आपको नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब चाहिए, क्योंकि यही तो फिल करने ना, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, क्यूब्स कितने होंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड करवा दोगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वन स्मॉल क्यूब, है ना, से आप डिवाइड करा दो। चलो करते हैं, वॉल्यूम ये रहा हमारे पास, निकाल लेते हैं यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30, अपॉन में क्या चला जाएगा ये वाला आपका वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। देखो इस कितनी ईजी हो जाएगी, 6 से इसको डिवाइड करवा देते 5 टाइम, 6 से इसको 9 टाइम, 6 को इससे 10 टाइम, 60 को। अब देखो 90 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 5 होगा तो 0 का 0, 9 5 45। क्या निकाला, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कैन बी फिल्ड इक्वल टू 450, है ना। आप पूरी लैंग्वेज लिख लीजिए, किसमें पर कैन बी फिल्ड इन अ क्यूबॉइड, ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट।